नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। हमारे साथ पप्पू यादव हैं और पप्पू यादव जी, आपको जमानत मिली है, इसके कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कोर्ट का कहना है कि अगर पप्पू आगे कुछ इस तरीके करते हैं, अगर रोड पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम हमेशा संविधान और लॉ का को मानने वाले लोग हैं। हमारी भारतीय तहजीब और संस्कृति को आत्मसात करके जीने वाले लोग हैं। हमारा जो जीने का फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सारी चीज़ें देश में कई बार ये सारे चीज़ें कौम आज नहीं लगातार जब देश अंग्रेज़ों के समय से लेकर के आज तक जो आंदोलन के तरीके रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी का भी, बाबा साहब अम्बेडकर, जब हम जेपी मूवमेंट को देखते हैं, लोहिया जी को, कर्पूरी ठाकुर जी, तो देश में जॉर्ज फर्नांडिस, जब आंदोलन की बारी आती है तो वामपंथ से अलग हम नहीं हो सकते। वामपंथी विचारधारा कंप्लीट संघर्षों का प्रतीक रहा है, समाजवादी विचारधारा संघर्षों का प्रतीक रहा है। तो आप उसको देखिए, लगातार विपक्ष के पास या सत्ता में घमंड कोई व्यक्ति, यदि कोई समाज के बीच नफरत पैदा करता हो, इंसानियत को मिटाता हो, मानवता को खत्म करता हो, समाज को तोड़ता हो, उन्माद पैदा करता हो किसी अपने निजी जीवन के लिए, सत्ता के लिए, वोट के लिए, जो पीपुल्स के द्वारा मैंडेट मिलता है, उस पर सरकार खड़ी नहीं उतरती, सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाता हो, सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व हो जाए राजनीतिक व्यक्ति, जैसा चल रहा है आप देख ही रहे हैं आजकल, बाथरूम में कमल खिल रहा है, इस देश में क्या हो रहा है आप सारी चीज़ें देख रहे हैं कि कहाँ कह रहे हैं कि मैं ही रहूँगा, तो किसी न किसी को मरने की तैयारी करनी होगी ना। हम आज ही मरने की तैयारी में चलते हैं। मेरे जीवन का 3 लक्ष्य है। फर्स्ट, आज ही मरने के लिए मैं जीता हूँ। कल जीने वाला आदमी कभी दूसरों के लिए नहीं जी सकता और दूसरों को अपना बेस्ट टाइम नहीं दे सकता। सेकेंड, विद इन ए मिनट हर लोगों की मदद, हर लोगों के दुख और परछाई के साथ खड़ा हूँ। और तीसरा, हर जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, जो मानवता के लिए खतरा है, जो इंसानियत के लिए खतरा है, जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए खतरा है, जो संविधान के लिए खतरा है, जो गरीब और आम आदमी की आवाज़ को दबाता है, उसके खिलाफ हमेशा लड़ने और आवाज़ देने का नाम पप्पू यादव है। पप्पू यादव जब आम आदमी की आवाज़ है तो वो आम आदमी को डिस्टर्बेंस कैसे कर सकता है? हमको जो लॉ ने जो कवर्ड किया है हमारी ताकत को, कि आप क्या कर सकते हैं, आप धरना प्रदर्शन पर अपने कंकड़बाग में, अपने गर्दनी बाग में लाके खड़ा कर दिए। हम तो गर्दनी बाग में थे, हम लिखित देते हैं 48 घंटा पहले कि हम ऐसा करेंगे। जब सरकार पूरी गूंगी बैदी हो जाए और कोई सुनने वाला नहीं हो, तो एक बार नहीं, 1,00,000 बार, करोड़ बार हम आपको बहुत ही क्लियर बोल दें कि वायलेंस के पक्ष में हम नहीं हैं, लेकिन टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यदि यह निरंकुश सरकार, निर्मोही सरकार, अब विपक्ष का तो कोई बात ही नहीं, विपक्ष तो है नहीं, हम तो सोचते हैं कि विपक्ष को कोई खोज के लावे तो हम 2,00,000 रुपया इनाम दें। कोई विपक्ष के लोग कहाँ हैं, घूमे हैं, तो हम चाहेंगे कि 2,00,000 रुपया इनाम दें। विपक्ष नाम की तो चीज़ नहीं है। आम आदमी भी विपक्ष की आवाज़ है। अब आम आदमी लड़ता है, आम आदमी की घटना घटती है, वो सड़कों पर होता है, क्या कहेंगे आप? वहाँ तो कोई पार्टी नहीं होती है, वहाँ तो कोई लीडर नहीं होता, आम आदमी आवाज़ होता है, तो क्या आम आदमी देनदार होगा? आम आदमी तो सेंटीमेंट के साथ काम करता है ना। आम आदमी के साथ घटना घटती है, रोड जाम, एक्सीडेंट हो जाता है, रोड जाम हो जाता है, उसको क्या करेंगे? तो मैंने स्पष्ट रूप से, हम स्वागत करते हैं माननीय न्यायाधीश महोदय के भावनाओं
का हम पूर्णकालिक आदर करेंगे। जो उनकी भावना कि जो रोड पर जाम होती है, तो रोड पर तो ब्लॉक बैरियर लगा देता है पुलिस, हम जाए ही नहीं। हम तो जैसे गाड़ी चलती है उस तरीके से हम लगातार विधानसभा की तरफ कुछ करते हैं, तो आप हमको वहाँ रोकिए ना जहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। आप ट्रैफिक पर रोक देते हैं, डाक बंगला पर रोक देते हैं, आप हमें जाने नहीं देते हैं। तो हमने स्पष्ट रूप से आग्रह किया है कि लॉ जो संरक्षण हमें दिया है इस देश के स्वतंत्र विचारों के साथ जीने का, हमें जो एक मजबूत ताकत दी है, ऊर्जा दिया है, नैसर्गिक ऊर्जा दिया है आम आदमी की आवाज़ बनकर उसके हर दुख और सुख में खड़े होने का, हमने कहा कि हम लॉ के बाहर नहीं हैं, लॉ के अंदर। लॉ आर्टिकल जो भी हमारे देश के विपक्ष को लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए जो ताकत देता है, हम उसके साथ खड़े हैं, उससे बाहर हम नहीं हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से कहा गया है, अगर आगे ऐसा आप करते हैं तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है? जेल ऐसा कोर्ट ने कुछ नहीं कार्रवाई सर की जा सकती है, अगर पब्लिक डिस्टरबेंस हो सकता है नहीं तो ऐसा। आपको ही सिर्फ टारगेट क्यों किया जा रहा है कि आप विपक्ष, आप जो सड़क पर उतर रहे हैं, अब सड़क पर कोई उतरता नहीं है, सड़क पर कोई एक अकेला पप्पू यादव है, लाठी गोली जेल जाने वाला व्यक्ति पप्पू यादव है। एक बार नहीं, 1,00,000 बार इस बिहार और बिहारियों के लिए, गरीब और युवाओं के लिए, किसानों के लिए, देश के लिए मरना होगा तो पल पल मरेंगे, पल पल आवाज़ उठाएंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन कानून के को हाथ लेने वाला संविधान के खिलाफ, लुटेरे के खिलाफ, जो मासूम बच्चियों के को घर बुला करके अय्याशी करता है, बलात्कार करता है, वैसे लोगों के खिलाफ कभी भी पीछे नहीं मुड़ेंगे। कानून के साथ चल के हमें जो भी कठोर से कठोर संघर्ष करना होगा, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना होगा, उठाएंगे, चाहे उसके लिए जितना बार हमें भुगतना पड़े, जितना बार जेल जाना पड़े, जितना बार गोली खाना पड़े खाएंगे, लेकिन आवाज़ विपक्ष के कमज़ोर नहीं होने देंगे, आम आदमी की आवाज़ को मरने नहीं देंगे। प्रेमचंद मुंशी जी ने जो बात कही है वह मेरे खून और मस में है। हम प्रेमचंद मुंशी जी की उस बात को, इस खूनी ताकत को, जिसका पंजा कंप्लीट खून, गरीबों के खून से, युवाओं के खून से, किसानों और बेटियों के खून से लथपथ है, उस खूनी हाथ को ख़त्म कर देंगे, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। आज आप मशाल जुलूस भी आपके छात्र जो है वो निकालने जा रहे हैं, उसमें आप शामिल होंगे आज। क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है देश में, बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है? कहां से बेटी को न्याय मिलना है? कल हमने कुछ लड़कियों से बात की, उन्होंने कहा कि गाय ज्यादा सुरक्षित उनको लगती है। सही कहा उन्होंने भाई, सही कहा। उनकी राजनीतिक एजेंडे जो है वो तय करेंगे ये पॉलिटिशियन, वो भी वोट के समय, कब बिजली कम करना है बिल, कब मेट्रो फ्री करना है, कब नियोजित शिक्षक का पैसा बढ़ाना है, कब 6,000 रुपया डालना है, कब किसान को 6,000 डालना है, 3 तलाक, ये 3 तलाक क्या है, ये टॉर्चर है ना, 1% क्या हो गया, क्या किया आपने? आप अपने एजेंडे को तय करते हैं, संविधान के खिलाफ आप बात करते हैं। संविधान ने कहा कि जाति, धर्म, मजहब, लिंग, भाषा, क्षेत्र, हम किसी ऐसे चीज़ों में प्रवेश ना करें जो किसी के धर्म को, किसी के विचारों की आज़ादी को, फ्रीडम को रोकता हो। आप लगातार हर स्वतंत्रता को आप रोकते हैं। कौन कहता है बेटियों का सम्मान नहीं, 20 लगती है, सबसे ज़्यादा गिव एंड रिलेशन, एक बीवी और 3-3 औरतें हैं सबसे ज़्यादा। इन ये पॉलिटिशियन ही तो है, सब पार्टी में नेताओं के पास 3-3, 4-4 बीवी है। कौन नेता है जिसके पास अभी जो आश्चर्य होगा, राज्यसभा एमपी को कैद किए हुए, उनकी पहली पत्नी की मां को कैद किए हुए, मुझे दुख है, मैं इसके खिलाफ युद्ध लड़ूंगा कि पहली पत्नी को डाइवोर्स किए बगैर दूसरी पत्नी कैसे हो गई, और आपने डाइवोर्स नहीं किया तो दूसरी को पत्नी का राइट कैसे दिया,
और डाइवर्स किया तो फिर उस पत्नी को आप अपने घर में कैद कैसे रखे हुए हैं? आप उसके बेटे के को दीजिए। ये राज्यसभा एमपी एमएलए एमपी वायलेंस कर रहा है, तीन तीन बीवियां जो मनाएगा रखेंगे, पत्नी के रहते हुए बुला बुला करके जो मनाएगा सब करेंगे। इनके एजेंडे में सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। बेटी बेटी क्या मुद्दा है इस देश का? बेटी तो इस्तेमाल कैंडल जला रहे हैं लोग, ये तथाकथित लोग इंडिया गेट पर, इनको घों के और बलात्कार कहाँ नजर आता है, गैंगरेप कहाँ नजर आता है? इनको बिहार के विधायक एमएलए एमपी पर जो सेक्स रैकेट का आरोप है जो दबाया गया है, यहाँ कैंडल क्यों नहीं जलती है? यहाँ क्यों नहीं विरोध है? 6 साल 5 साल 7 साल मासूम बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। जिसको मीडिया ट्रायल हाइपर देता है वहीं पर नेता और ये सोशल ये जो कैंडल जलाने वाली हमारी टीम है सिविल सोसाइटी, इन लोगों को और गैंगरेप क्यों नजर नहीं आता? जब और बड़ी बड़ी गैंगरेप होते हैं तो सिर्फ क्यों इन लोग सड़क पर नहीं उतरते? सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो बात कही है मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन 45 दिनों के अंदर संरक्षण चाहिए ना, पूरी सरकार खड़ी है उसके साथ। प्रज्ञा ठाकुर को नहीं निकाला गया, कैलाश विजयवर्गीय के बेटा को नहीं निकाला गया, मंत्री के बेटा को नहीं निकाला गया, नारायण राणे के बेटा को नहीं निकाला गया। ये पार्टी किसी को निकालती है, लाठी से मार रहा है, कुछ रहा है, किसी के घर ढुक रहे हैं, तो ये बेटी क्या मुद्दा है जनाब? आज आप जो शुरुआत करेंगे उन्नाव की बेटी की लड़ाई कहां तक लड़ेंगे पप्पू? अंतिम तक लड़ेंगे, कोर्ट तक लड़ेंगे, फांसी जब तक नहीं होगा तब तक कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ऐसे लोगों को सिर्फ फांसी, सिर्फ फांसी, फांसी के अलावे नीचे कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो 12 साल मासूम बच्चियों का जो यहाँ बिहार में आया है पास्को अभी तक नहीं लगा। नीतीश कुमार जी की सरकार और यहाँ के प्रशासन को आंख में पानी नहीं है, निर्लज है, दल बनाने के फेर में है, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रहा है कि राजद को तोड़ने में सपोर्ट करेंगे ये लोग। और राजद अभी तक नहीं निकाला, राजबल्लभ की बीवी को टिकट दे दिया, हमाम में ये लोग नंगे हैं। इन लोगों पर भी धारा लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग रेपिस्ट को मदद करते हैं, इसलिए इन लोग पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे साथ पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि उन्नाव की बेटी के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे और साथ में कानून का पालन करते हुए हमेशा जनता की आवाज़ बने रहेंगे। अब बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी छोटी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच सकें।